हेलो एंड वेलकम ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज आज मैं नई वीडियो फिर लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही जिसकी कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं बिजी थे, टाइम मिल नहीं रहा था। जैसे तैसे आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, निकाल के मैं आ गया हूँ अपने दोस्त की उसके घर पर। देखते हैं वो क्या कर रहा है। उसको फ़ोन तो मैंने किया था लेकिन फ़ोन उठाया नहीं उसने, तो चले चलते हैं उसके घर के घर में। तो गाइस चल, तो ये देखो गाइस, ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और इसका घर दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइस आप देख सकते हो ये इसका घर है, मेरे दोस्त पीयूष का। चारों तरफ का नज़ारा है, चलते हैं इसके घर पे। गाड़ी तो घर पे ही है, पता नहीं ये कहाँ पर है। यहाँ पर इसकी गाड़ी खड़ी है। गाइस ये देखो, ये महाराज सोए पड़े हैं यहाँ पर। कितने दिनों से वीडियो नहीं आ पाई है हमारी, और ये वहाँ से अभी तक सो रहे हैं, इनको कोई परवाह है नहीं है। लो ओ हीरो भाई, क्या है, वीडियो वीडियो बनानी है नहीं है। मैं अभी आया, क्या हो रहा है, होगा क्या, क्या? तो गाइस चलते हैं, ये खड़ा है मेरी बाइक लेके, अब चल रहे हैं जरा। तो आ चुके हम अपने पुराने अड्डे पे जहाँ से हम शुरू करते थे, वहीं से शुरू कर रहे हैं और यहीं करते रहेंगे। किसी घर में ऐसे हुआ तो क्या पता है किसी को, है कोई सोया हुआ ना कहे क्या। मतलब तुम्हें 10 बार फ़ोन करो तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। अबे साले, लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चलती है, बस प्रॉब्लम दोस्तों से बैठ के होती कोई बात। अबे तो जॉब तो हम भी कर रहे हैं, हमारे पास भी तो, हम तो टाइम निकाल रहे हैं। अरे यार वीडियो लंबी आई है तो मैं भाषण कर रहे हैं, शॉर्ट बात है। मतलब दो दिन से फोन नहीं उठा रहा तेरा, ऐसा हो गया था असल, एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले गाड़ी से, फोर व्हीलर कार से, गाड़ी से कोई बाइक से, मतलब तो बाइक वाले को थोड़ी सी लग गई थी यार, थोड़ा डर लग रहा मेरे को, पर गलती बाइक वाले की थी। वो सर बेड़ा मार के चला था सारा, पी के आया होता गाइस। और पता है जैसा कि आपको इंडिया पब्लिक भी पता है, पागल है वे, अगर कहीं भी गलती हो, मतलब ये देखते हैं कि यार ये 2 पहिया हैं और 4 पहिया हैं, भले गलती क्या नाम है 2 पहिए वाले की हो, पर चाहे 4 पहिया वाली गलती ना भी होगा, फोर व्हीलर वाली तब भी गलती है, बड़ी गाड़ी वाली की निकालते हैं कि इसने भी जरूर गलत किया होगा। हमारी पब्लिक तो राशन पर लेकर चढ़ने दो मिनट तैयार रहती है यार, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है गाइस कभी कभी। हाँ यार तो ये बात सही है, हकीकत में ये ऐसा होता है कि जो बड़ी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी वाले भले ही गलती ना करते हो, छोटी गाड़ी की गलती होगी लेकिन पकड़ते बड़ी गाड़ी वालों को। तो अच्छा था, मैं आ रहा था अपने घर को यार, सीधे वो भयंकर बारिश होती तेज की, वो इतनी तेज बारिश में मतलब बाइक चला रहा था गाइस, ड्राइव कर रहा था, उसने ब्रेक मारा अचानक से, उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, सीधे मेरी गाड़ी में टकराई। मैंने अपनी गाड़ी एकदम खड़ी कर ली, लाल भी लड़ा था, थोड़ा ड्रिंक भी किया था, और उसके बाद वहाँ पब्लिक उतर के सीधे भयंकर, हाँ भाई आ गया स्वाद। तो गाइस जब भी आप बाइक पे ड्राइव करते हो तो गाड़ी को कृपया हल्की चलाएं, और बारिश टाइम पे तो खास तौर पे गाड़ी को हल्के चलाएं। ये टाइम है इंडिया की थिंक चेंज करने का यार, ये गलती इसकी, उसको मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। अब इतना कौन नोटिस कर रहा है, कौन सा रोड पे कैमरा लगा हुआ कि देख लेंगे कि किसकी वो कैसे मैच में चलता है। 2 मिनट होता है, धुलाई बहती है धुलाई, ये पता है पब्लिक पागल है, कैब करके देख लेते हैं कि किसकी गलती है। मतलब ऐसे लोग होते हैं, कुछ वैसा होता है, पब्लिक में घर से लड़ झगड़ के आते हैं, किसी पर निकाल देते हैं, उन्हें कोई मतलब भी नहीं मैटर किया, वो आगे सीधे भयंकर चालू हो जाते हैं, बस खाली इस टाइप का होता है माहौल, समझाना भारी पड़ जाता है, कहना मतलब ये है मेरा लोगों को। तो फिर अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है, अब यार देख आए हैं, अब आज थोड़ा मूड अच्छा है तो मैं तेरे पास आ गया, तो तू मेरे पास आ गया। और बता, तुम तो पिछवाड़ा दिखा के सोए हुए थे, और किसी घर में ऐसा मत घुस, मैं मारूंगा वहाँ के थप्पड़ बता रहा हूँ। अरे तो कौन सा तू शादी से आया जो तेरे घर में नहीं घुस सकता। बात से बहुत खुशी हुई अभी तुमको, आई नो आज कन्वर्सेशन करता है, मतलब कुछ बताया, कहीं जाएंगे नहीं, गए घूमने मन नहीं कर रहा है। एक काम करते ना, रोज 15 घूम के थक गए, कहीं बाहर चलते हैं घूमने, पता तो
चलो है घूमने हम तो चाहिए अभी नहीं, मतलब समझा नहीं तू मेरा मतलब। सीता बिनीता पपीता बीता ये स्कूल चले हम नागिन वाला डांस सिखा दो एक बार ये गाना लगा दो नागिन। पब्लिक भी कह रही है हम लोग करते हैं ये दिखाएंगे उधर नहीं, तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं गाइस तो ना अब दिखाएगा भाई कुछ वीडियो शूट कर लो उसकी मेहनत कर लो काम कर लो तुमसे जब भी कहो तुम कहते हो गाड़ी में तेल ऐसे यूट्यूबर तुम्हारी गाड़ी में तेल नहीं रहता भाई छोड़ दे ये कच्चे में घूम रहा है तेल कोई दिक्कत नहीं है तेल की तेल की कोई दिक्कत नहीं कहीं दांत मत तोड़वा लेना तेरी जान तो गई है यार दो दिन से वीडियो शूट नहीं हुई आज हम खाली हम तो कोई कंटेंट भी नहीं है तो मैं ऐसे आपस में ही नोटिंग की करे जा रहे हैं ठीक है अब हम लेके आएंगे बहुत अच्छा कंटेंट वो कहते हैं ना ये खामोशी वो है उसका कहते हैं सन्नाटा जो है ना बड़े से तू उसका ब्लास्ट का इंतजार है इस तरीके से बोला नहीं आ रहा पर समझ जा तू मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहा हूँ ना तो सोच ले कि दो चार दिन का सफर कर बहुत अच्छी वीडियो आएगी। अच्छा बहुत तगड़ी वीडियो बहुत अच्छी वीडियो हाँ मतलब पंतनगर में आजकल ऐसे चला क्या दिखाएं यार बरसात चल रही है जहाँ जाओ भीग जा रहे हैं गरीब आदमी ना गाड़ी है ना घोड़ा है कैमरा भी हमारा भीग गया कोई वाटर प्रूफ कैमरा है नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं अब वैसे बरसात रुक गई है दो चार दिन से भूल थी अब चलते हैं कहीं कब चलेंगे रक्षाबंधन से पहले छुट्टी पड़ने वाली जॉब की भी यार कुछ दिनों में ठीक है ठीक है तो नेताजी के भाषण आप लोगों ने सुने ही होंगे गाइस देखते हैं क्या करते हैं नेताजी हमारे ये वादा कर रहे हैं इनके वादों का तो हमें तो खुद को भरोसा नहीं है क्योंकि जब भी मैं इनको कॉल करता हूँ कॉल नहीं उठाते हैं बुलाओ तो आते नहीं हैं अब देखते हैं वीडियो कब लेके आते हैं बहुत अच्छी वीडियो का वादा कर रहे हैं ये देखते हैं आती है नहीं आती है बहुत तगड़ी वीडियो आएगी गाइस बहुत तगड़ी वीडियो बहुत तगड़ी वीडियो आएगी गाइस बहुत तगड़ी वीडियो अबे ऑडियंस लाना पड़ेगा यार महंगे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है धीरे धीरे मिल रहा है पर मिल रहा है हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों अंदर से तो गाइस इंतज़ार करो इंतज़ार इंतज़ार का फल मीठा होता है और वीडियो ज़रूर आएगी और बहुत तगड़ी वीडियो आएगी राइट हाँ